नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और स्वागत है आपका माय विजय यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बच्चे का रूट कैनाल करते हुए। सब्सक्राइब करिए माय विजय यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी बजा दीजिए जिससे मिल सके लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले। बहुत लोगों के मम्मी पापा जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के दांत को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं। उनके बच्चों के दांत में दर्द होता है तो उनको समझ नहीं आता क्या इलाज कराना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मामला रहता है और वो मम्मी पापा को बहुत तकलीफदायक रहता है। तो जो ये बच्चे का केस है, इसमें दांत इनके खराब हो चुके थे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दांत थे स्थिति, पहले आके देख लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए इसके दांत में होल आपको दिख रहा है, ये दांत में तकलीफ हो रही थी और सेम इस दांत में भी। ये आप देखेंगे, ये दांत में हमने सीमेंट डाला है, ऑलरेडी हमने एक बार विजिट ट्रीटमेंट किया है और ये दांत में भी आप देखेंगे, देखिए होल है। तो एक्चुअली में इसके दांत, ये दूध के दांत है और हम दूध के दांत में रूट कैनाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो दांत है ये अभी तुरंत नहीं गिरने वाला है। हम सबसे पहले अवॉइड करते हैं दांत निकालने से अगर दूध के दांत हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसीजर है, जब इसका समय आएगा तो ये खुद से निकल जाएगा। और अगर उसके पहले ये तकलीफदायक होता है तो इसमें ज्यादा अच्छा है कि रूट कैनाल करके हम इसके दर्द को हटा दें और दांत जब नेचुरली गिरेगा तब ये गिरेगा। तो बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है, खाने पीने में भी उसके पास दांत रहता है तो कोई तकलीफ नहीं रहती। इसका एक सेटिंग हो चुका है बच्चे का और अभी मैं रूट कैनाल करूंगा, आप देखिए। और ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिसके भी पेरेंट्स बच्चों का ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई बच्चे को दर्द नहीं होगा अगर प्रॉपर तरीके से इलाज हो रहा है, कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर कर रहा है तो कोई परेशानी नहीं है बच्चे को और ऊपर से आराम भी मिलेगा। तो चलिए रूट कैनाल, ये देखिए ये फाइल होती है ना, घबराते हैं लोग, बड़े बड़े लोग भी घबराते हैं कि ये दांत के अंदर जाएगी तो क्या तकलीफ होगी, लेकिन आप खुद देखेंगे। या सेकेंड विजिट है बच्चे की, दिख रहा है, ये देखिए फाइल है, ये मैं कैनाल्स में डाल रहा हूँ, रूट कैनाल में हम कैनाल्स में डालते हैं, आप देख रहे हैं मैं कैनाल्स में डाल रहा हूँ, अलग अलग कैनाल्स में डाल रहा हूँ, ये देखिए मैं अंदर डाल रहा हूँ। और बच्चे का चेहरा देखिए, कोई तकलीफ थे मुझको, कोई दर्द वर्द है बताओ, नहीं। अच्छा है, हाँ। सब बढ़िया, हाँ। दर्द कम हुआ है, हाँ। ठीक है। तो बस मैं ये फाइल डाल के यही दिखाना चाहा कि कोई मत डरिए, बच्चे का अगर तकलीफ है दांत में तो बिल्कुल ट्रीटमेंट कराइए और ये ट्रीटमेंट से बच्चे के दांत का दर्द कम हो जाएगा और आराम से रिलीफ मिल जाएगा उसको। तो दोस्तों, बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया है कंप्लीट और अभी हम इनकी मम्मी और बच्चे से भी पूछेंगे कि कैसा रहा ट्रीटमेंट। और चलिए आप खुद देख लीजिए बेटा, इसका नाम श्लोक, श्लोक अरे मुंह तो बंद कर लो, अभी हो गया इलाज, ठीक है। दर्द हुआ इलाज में? नहीं। अच्छा रहा, हाँ। अब दर्द खत्म हो गया? हाँ। अब पहले दर्द था तुमको? था, हाँ। था ना? और अभी दर्द है? नहीं। अभी दर्द नहीं है, अच्छा हुआ मैं इलाज किया तो दर्द तो नहीं हुआ, नहीं। बढ़िया है, ठीक है मम्मी इसका, ठीक है चल। तो गाइज आपको यही दिखाना था और जो पेरेंट्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, बिंदास आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा लीजिए और उसका दर्द खत्म हो जाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, वेलकम वेलकम श्लोक, बच्चा थैंक यू बोल रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, यही तो हमको चाहिए, हम काम करते हैं अप्रिशिएट मिलता है, तो थैंक यू सो मच। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ और रिसर्च करके लाते रहता हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। हो गया।